जिंदगी का सफर हो आसान, जिंदगी का सफर हो आसान। कुछ दूर मेरे संग आओ, कुछ मैं भी करीब आ जाऊं, कुछ तुम भी करीब आ जाओ, कुछ तुम भी करीब आ जाओ। तो हर शाम गुजारते हो, आज कुछ काली चाय वगैरह हो जाए, फौजियों का नेशनल ड्रिंक। करियप्पा, हार्ड लेकर आपको मुबारक हो, मुझे अपने घर से स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है, ठीक 6 बजे बेस टच करो, वरना एक्सटेंसिव और एक्सक्लूसिव फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। डोंट टेल मी, जो फौजी अपनी बहादुरी के मेडल जीत चुका हो वो अपनी फैमिली से घबराता है? मेरे घर की फौज है ही ऐसी, सीमा पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान सकता, लेकिन अपने बच्चों का गुस्सा नहीं देख सकता, उनकी नाराजगी नहीं सह सकता, अभी जिगर इतना मजबूत नहीं हुआ। दिखता है, एक फौजी के खुरदरी वर्दी के पीछे एक फादर का कोमल सा दिल भी दिखता है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटियां हैं मेरी, छोटी है सीमा, अपने नाम की ठीक ऑपोजिट, कोई नहीं बांध सकता उसे, पहाड़ की नदी की तरह उछलती कूदती, हर वक्त कोई नई खुराफात। दूसरी बेटी यानी मेरी बड़ी बेटी सुनीता, बहुत खूबसूरत, और हर पल उसकी खूबसूरत आंखें जितनी बातें करती हैं उतनी बातें शायद पूरे दिन में उसके होठों से भी ना निकलती हों। बहुत खामोश है मगर बहुत गहराई लिए हुए, ठीक उस नदी की तरह जो सागर में समाने वाली हो। क्लासिकल डांस का बहुत शौक है उसे, बहुत भोली है, मगर मैं बहुत खुश हूं। आई फील आई एम वेरी लकी कि मुझे दुनिया के दोनों रंग देखने को मिल रहे हैं, शरारती सीमा और खामोश सुनीता। पापा आप आ गए। पापा, घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? क्यों आपको पसंद नहीं आया? हरगिज नहीं। तो फिर कर देते हो जाला, कोई है?
माय गॉड, ये क्या घर में कोई मेला लगाने का प्रोग्राम बन रहा है? एब्सोल्युटली नो पापा, इट्स अ वेरी पर्सनल सेलिब्रेशन डे, गवर्नमेंट हॉलिडे नहीं आज। तो फिर किसी का बर्थडे भी नहीं है और मेरी एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर है क्या? ओफो पापा, आप आज का दिन कैसे भूल सकते हैं? आज के दिन आपकी और मम्मी की आंखें चल रही थी, इसलिए हम सब ने सोचा कि आज के दिन को यादगार ढंग से सेलिब्रेट किया जाए। एग्जैक्टली दीदी। अब चलिए हम आपको एक बात बताएं कि हमने आपके लिए एक स्पेशल केक बनाया, बहुत प्यारा सा। ओके, कम ऑन, कम। देखा देखा कितना प्यारा केक बनाया मैंने। भाई रोमांटिक है ना? थैंक यू थैंक यू। लगभग दिल लग रहा है लेकिन आड़ा तिरछा। देखो जवानों का दिल बहुत शेप में होता है, बट हमारे मम्मी पापा का रोमांस कर करके थोड़ा ऐसा हो गया, सो नेवर माइंड। अब मैंने इतना अच्छा बनाया, तुम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो? देखो वो सिर्फ तुझे तंग कर रही है ना। रहती है रहती है मुझे, कोई बात नहीं। अच्छा अब केक काटो। एक मिनट, वो रिमोट कहाँ छुपा रखा है? रिमोट? हाँ भाई, तूने केक बनाया है तो उसके अंदर कोई ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया तो? नहीं, सच्ची मैंने आज कोई शरारत नहीं। अच्छा। कोई शरारत नहीं। मैं काटू? नहीं प्लीज प्लीज। नो मोर पापा। ओफो आप काटिए नो। नहीं मैं काट काट रही है। हाउ इज इट? एक्सीलेंट। वाह ब्यूटीफुल। वाह नशे में डूबी रहना चाहती हूँ। नशा उतना ही करना चाहिए बेटा जो सांसों पर हावी ना हो, जो सर पर ना चढ़े, हल्का हल्का सरोर होना चाहिए ताकि उन्माद बरकरार रहे। मगर इतनी कह दिया, नृत्य के लिए तेरा लगाव देखता हूं सुनीता, बहुत खुश है। ऐसा लगता है जैसे तू मेरा हाथ थाम कर मुझे मेरे अतीत में ले जा रही। तेरी उम्र में नृत्य के लिए
ऐसा ही उन्माद में अपनी नसों में बैठा महसूस करता। तबले की थाप तो मिलती नहीं थी गांव, कदमों की ताल के लिए और कई सहारे ढूंढ रखे थे। तो फिर गांव के जीवन में तो वैसे ही लय होती, उसी लय पर मैं थिरकता रहता और खो जाता अपने ख्वाब, मस्त हो जाता। आपकी बात समझ सकती हूं मैं गुरुजी, यही तो वो लम्हा है जब मैं अपने आप में आत्मविश्वास बहता महसूस कर सकती हूँ। कानों में जैसे कोई कुछ कहता है कि सुनीता तुम्हारी भी एक आइडेंटिटी है, अपने आप को पहचानो, खुद को उन घुंघरों में ढूंढो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी छोटी सी। अच्छा तू जा, तेरी माँ तेरा इंतजार। और सुन, आनंद से मिलती जाना, उसने कहा था जब तू आए तो तुझे उसके पास भेज। जी। कभी धीमे धीमे दबे पांव चलती होगी, खामोश हवा के झोंकों से तुम आओगी, कुछ लम्हे मेरे साथ गुजारोगी, कुछ यादें दे जाओगी, कभी हल्के से अपना दुपट्टा संभालोगी, खोई खोई सी नजरें कुछ तलाश करेंगी, क्या वो तलाश कभी मुझ पर आकर खत्म होगी? ये सवाल टटोलता है दिल को तुम्हारी दस्तक साथ लेकर, कि क्या कभी लब कुछ बोल पाएंगे या यूं ही सिले सिले से रहेंगे, नाराज़े दिल खोल पाएंगे। वाह, राज की बात लिख रहे हो, यूं ही कुछ शब्द यहाँ वहाँ बिखेरे। सुनीता तुम कब आई? तुमने नहीं बताया ना कि तुम लिखते भी हो। अब मैंने कभी कुछ ऐसा लिखा नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ बताऊं। और फिर ये क्या था जो मैंने सुना? ये बस यूं ही कुछ ख्याल थे जिसे मैं कुछ बांधने की कोशिश कर रहा था। अक्सर तन्हाई कुछ ख्यालों को जन्म देती है। मुझे भी शौक है नज़्म लिखने का, मगर लिख नहीं पाती। अपने ख्यालों को पकड़ने जाती हूँ तो खुद को खोया हुआ महसूस करती हूँ। मेरे ख्याल आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन काबिलियत नहीं इतनी कि मैं अपने मुट्ठी में कैद कर सकूँ और कागज पर जगह दे सकूं। आनंद, आनंद, क्या सोच रहे हो? अच्छा लगता है जब कोई इतने ध्यान से बिना पलके झुकाए सुने। अच्छा आनंद, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई, बाय। सुनीता। आसपास है। जब मैंने आपको खुद बुलाया था तो फिर मैं आई कम इन सर की कोई जरूरत नहीं थी। यू मे प्लीज कम इन। यस सर। आज की न्यूज क्या है? सर, जेमिनी टेक्सटाइल की रिप्रेजेंटेटिव आपसे 11:30 पर मिलेगी। 2 बजे हमारे कानपुर फर्म के केस के बारे में हमारे सोलिसिटर्स आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगने आएंगे। ये काम आप ही निपट लेना। सर, 2 बजे तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ।
सर आर्मी की ईयरली टेलीकम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट देने के लिए आज सारे बिजनेस हाउसेस को इनवाइट किया गया है। जोशी जी, आप ये भी नहीं जानते कि किस काम को कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जी सर। आप जानते हैं ये ऑर्डर मिलने का मतलब क्या है हमारे लिए? मिस्टर जोशी, ये ऑर्डर हमें किसी कीमत पे मिलना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है मेरे सबऑर्डिनेट्स में, यही तो प्रॉब्लम है मेरे सबऑर्डिनेट्स में। हर कोई कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं ऑर्डर एट एनी कॉस्ट आपको ला के दूंगा। मैं खुद जाऊंगा ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। हु इज द चेयरपर्सन? कर्नल रंजीत कपूर। कर्नल रंजीत कपूर। जेंटलमैन, ये हैं आर्मी की सालाना रिक्वायरमेंट जिसकी एक एक कॉपी आप सबको दी जा चुकी है। हम आपसे सील्ड कोटेशंस इनवाइट करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश के लीडिंग इंडस्ट्रियल हाउसेस हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। एनी क्वेश्चंस? सर, कोटेशन सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? 15 February 1998, 1500 hours। और कुछ? नो सर। दैट विल बी ऑल जेंटलमैन, थैंक यू। मिस्टर यशराज भाटिया, एनी क्वेश्चंस? आपने शायद पहचान नहीं मिले सर। वेल, यशराज भाटिया ऑफ सोलमेट क्रिएशंस? नहीं, वो तो हूं सर, लेकिन इसके अलावा मेरी एक और आइडेंटिटी है जो आपको डेफिनेटली चौंका देगी। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी है? सर, आई एम यशराज भाटिया, सन ऑफ दीपक राज भाटिया। दीपक राज भाटिया? कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। डोंट टेल मी यू आर दीपक सन। यस आई एम। ओह, दिस इज वंडरफुल, वंडरफुल। मुंबई कब आए? अभी 5-6 महीने हुए सर। ये सरसर क्या लगा रखी है? यू मस्ट कॉल मी अंकल। सर, पापा कहा करते थे कि जिंदगी में अगर किसी को दौड़ना सीखना हो तो उसका ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके कदम मैदान के किस हिस्से में है। मैं आज ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर आप और आपकी वर्दी का सम्मान होता है सर। ऐसी बातें सिर्फ दीपक का बेटा ही कर सकता है। Oh, I remember your father, Yash. What a wonderful fellow he was. खैर, छोड़ो। राम सिंह। यस सर। जीप निकालो। ओके सर। चलो यश, घर चलते हैं। अब एक मिनट चलिए, मैं 10 मिनट। मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगे। अच्छी तरह याद है यश, तुम्हारी बचपन में तुम्हारे साथ बिताए हुए वो दिन जब तुम शरारतों में वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मुझे भी काफी कुछ याद है सर, मैं तो आपको देखते ही पहचान गया। सर, गाड़ी रेडी है। थैंक यू। खैर, 7:30 बजे ऑन द डॉट मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बशर्ते कि आप अपना एड्रेस तो दें। ओह यस ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी। नाउ डोंट फॉरगेट, 7:30 ऑन द डॉट। आप एक मिनट चलिए, मैं 10 मिनट। ओह यश, यश, मेरे दोस्त का बेटा इतना बड़ा हो गया। क्या दीदी, ये भी कोई वक्त है नहाने का? आज है ना सीमा? डांस क्लास में बहुत देर तक रिहर्सल हुई थी, इसलिए गर्मी हो रही थी यार। अरे तुम डांस कैसा सीखती हो? वहाँ पसीना ज्यादा आता है, गर्मी ज्यादा लगती है, मजा कम आता है। अरे हम जैसे डांस करो, मजे ही मजे। तुम्हारा डांस ऐसा है ना, एक आंख बंद, हाथ एक नीचे, एक पांव ऊपर, कोई डांस है? फनी। मुझे सब अच्छा लगता है यार। मुझे पता है तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये डांस अजीब सा है, या तो बंद कमरे में तक दिन करते रहो, या फिर स्टेज पे तक दिन करते रहो। उसके अलावा कुछ है प्रैक्टिकल यूज कुछ है? अरे हम जैसे डांस सीखो, हम तो पार्टी में जाते हैं, डिस्कोथेक में आते हैं, अरे छा जाते हैं। you know? तेरा कहने का मतलब है कि तेरा वाला डांस सीखूं, और जंगली वाला, और हाथ हिला दे पूरे पागलों की तरह। जंगली वाला पागल कही की? तुम्हारा मतलब तुम्हारा पागल, तुम्हारा जंगली जंगली वाला पागल, तुम अपने जंगली समझती हो ना? डोंकी, तुम मंकी हो। रोजी को घुमाने ले जा, एक तो ये लड़की सुनती नहीं है, पता नहीं हर पल कौन सा भूत सवार लेता है दिमाग पर। तू चुप है, चुप है, चुप, चुप।
चल रहा है? दीदी चल नहीं रहा, वो तो कल जहाँ खड़ा था आज भी वही खड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि कॉलेज की कुछ अच्छी खासी खबर तो सुनाओ। क्या सुनाओ यार, कॉलेज का वही 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 पुराना, सब कुछ बोरिंग। Excuse me, कर्नल रंजीत कपूर कहाँ रहते हैं, उनका मकान कहाँ है? जी वो मैं बताती हूँ, वो ऐसा है कि आप यहाँ से पीछे जाइए, इसी रोड पर आप पीछे जाइए, तो आगे जाए मतलब आप जब एकदम पीछे चले जाएंगे ना, वहाँ पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा, छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर से आप लेफ्ट टर्न लीजिएगा, समझ रहे? पहला लेफ्ट, हाँ लेफ्ट टर्न लेंगे ना, लेफ्ट टर्न के राइट मोड़ पर आपको एक पान की छोटी सी दुकान दिखाई देगी, लेकिन वहाँ नहीं जाना है आपको, आपको जाना फिर लेफ्ट टर्न में, फिर आप लेफ्ट टर्न लेंगे, लेफ्ट टर्न के एज पर आपको एक चर्च दिखाई देगा, यू नो, हाँ मध्य अमेरिका चर्च है, वो चर्च से आप राइट साइड में देखेंगे तो दो लेन्स है, लेकिन वो लेन्स में आपको नहीं जाना है, आपको फिर लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेंगे ना आप, सुन रहे हैं, समझ रहे ना, लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर आगे जब आप आएंगे तो सीधी रोड है, वो सीधी रोड पर एकदम एंड में रेड कलर का एक बंगलो है, वही कर्नल साहब का बंगलो है, आप समझ गए ना? मैं कोशिश करता हूँ। Yes! ये क्या क्या स्टूपिड? क्या किया? वो सारी कॉलोनी घूम कर फिर यही वापस आ जाएगा। अब उस इडियट को समझना चाहिए ना, कर्नल की बेटियों से कर्नल का एड्रेस पूछ रहा है, कर लो बात। मगर उसे क्या पता कि हम कर्नल की बेटियां हैं? क्यों? हमारे चेहरों पर कर्नल की बेटी होने का क्या कोई चार्म नहीं है? अच्छा बाबा अब चल चलिए।